फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यम्मी और डेजर्ट की रेसिपी। और इसे बोलते हैं आम्रखंड भी बोलते हैं और इसे श्रीखंड भी बोलते हैं। और यूपी की साइड में इसको आम्रखंड बोलते हैं और गुजरात में इसको श्रीखंड बोलते हैं। तो ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत इजी है बनाना और बहुत टेस्टी बनता है। आप कभी भी इसको बना सकते हैं। आप इसके स्वीट डेजर्ट के रूप में बना सकते हैं। आप इसको रात में डिनर के साथ खा सकते हैं। तो अभी मैंगो आ रहा है तो आप भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई न्यू रेसिपी डालूं। और जो वीडियो के नीचे लाइक का बटन होता है उसको जरूर क्लिक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज की रेसिपी मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है कर्ड। ये हाफ़ के जी कर्ड है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने 24 आवर्स के लिए मैंने इस छन्नी में रख के छोड़ दिया था फ्रिज में। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं, और यहाँ पे पानी अलग हो गया है और कर्ड अलग हो गया है। तो हमें इस तरह का थिक ही कर्ड चाहिए इसके लिए। तो यहाँ पे मैंने पानी को आप फेंकिए नहीं, उससे आप आटा गूंथ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्मूथ करूँगी पहले कर्ड को। तो हमें कंटिन्यू चलाते हुए इसको हमें करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से। तो कंटिन्यू चलाते एकदम स्मूथ करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस हमें करना है। इस तरह से हमें हिलाते हुए कंटिन्यू करना है, और तभी जब तक ये स्मूथ नहीं हो जाएगा तब तक हमें करना है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने काफ़ी कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, टेस्ट के अनुसार यहाँ पे पिसा हुआ शुगर ऐड करना है। पिसा शुगर ऐड करना है तो उससे अच्छा रहता है। आप बूरा बोलते हैं उसे भी कर सकते हैं। अगर बूरा नहीं है तो आप शुगर को पीस लीजिए मिक्सी में, तो भी आपका बन जाएगा। तो इसको डालने के बाद फिर हमें अच्छे से और मिलाना है ताकि और अच्छे से स्मूथ हो जाए हमारी जो कर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मूथ टेक्सचर में आ रहा है ये। तो इस तरह से कंटिन्यू हमें कम से कम 10 मिनट तो लग जाता है इसको करने में। तो अब आप देख सकते हैं कितना स्मूथ हो चुका है, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो एकदम स्मूथ हो गया है ये। जब ये स्मूथ हो जाएगा उसके बाद हमें इसके अंदर केसर मैंने यहाँ पे मिल्क में डाल के रखा था, वो इसके अंदर हम डालेंगे। तो इससे क्या है कि फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। आप यहाँ पे कोई सा भी फ्लेवर दे सकते हैं, पर हम यहाँ पे केसर वाला फ्लेवर और मैंगो का फ्लेवर बना रहे हैं तो बहुत टेस्टी बनता है उससे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 मैंगो लिया था, उसका प्यूरी बना लिया है, आप देख सकते हैं। आप जितना बनाते हो उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 मैंगो की प्यूरी लिया हुआ है। तो आप देखिए, इसको हमें फिर एक साथ नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाते जाना है हमको, और कंटिन्यू इसको करते हिलाते हुए जाना है। जब एक बार मिल जाएगा उसके बाद फिर हमें दोबारा से इसमें ऐड करना है प्यूरी और फिर मिक्स करना है। तो हमें इस तरह से करते हुए इसको कर लेना है। तो अभी देखिए ये कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पूरा इसको कर दूँगी मिक्स इसके अंदर। अभी जितना प्यूरी मैंने लिया था पूरा प्यूरी मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे। तो अभी और भी स्मूथ, जितना आप इसको चलाएंगे उतना ही ये अच्छा और टेस्टी बनेगा। तो आप देख सकते हैं अब कलर और टेक्सचर दोनों ही एकदम परफेक्ट आ गया है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और थोड़ा सा उसके अंदर शाइनिंग जैसा हो जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसा, देख सकते हैं आप कितना स्मूथ और शाइनिंग वाला हो गया है, मतलब कि ये हमारा जो है परफेक्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे हम 1 मैंगो को चॉप करके लेंगे, और हाफ मैंगो हमने देखिए इसके अंदर मिक्स कर दिया है, और हाफ मैंगो को मैंने गार्निश के लिए रखा है। आप नहीं पसंद हो तो नहीं भी डालेंगे, अगर पर आप मैंगो कट किया हुआ डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जब वो खाते समय बाइट में आता है तो बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं जो हाफ और करके रखी हूँ उससे मैं गार्निश कर दे रही हूँ। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए, नहीं पसंद हो तो नहीं डालिए। कुछ ड्राई फ्रूट से हम गार्निश कर देंगे। यहाँ पे मैंने चॉप किए हुए आलमंड्स लिए हैं, आप यहाँ पे आलमंड
पिस्ता कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके आप इसको कभी भी खा सकते हैं। श्रीखंड हमारा ये रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड फैमिली में। और अभी आप मैंगो आ रहा है तो इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं तो आके और भी न्यू न्यू रेसिपी आपके लिए लाएंगे, शेयर करेंगे। किसी भी रेसिपी को आपको चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर।